नमस्कार, स्वागत है आपको YouTube चैनल फिनॉइज पे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले विप्रो स्टॉक को लेके। और दोस्तों, इसके पहले भी जो है हम लोगों ने विप्रो स्टॉक के बारे में कुछ वीडियोज़ बनाया था, जहाँ पर हम लोगों ने आपको विप्रो स्टॉक का टारगेट प्राइस भी दिया था और ऑलमोस्ट हर एक टारगेट प्राइस कंप्लीट हुआ है। हम लोग जितने भी स्टॉक का टारगेट प्राइस देते हैं सबका ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है या फिर हुआ है। तो हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं आपके साथ जो है अच्छे वाले इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए हमारे YouTube चैनल के वीडियो के माध्यम से। रिक्वेस्ट करेंगे पूरा वीडियो पे बने रहिए, कभी भी स्किप मत कीजिए। और ज़रूरी नहीं है कि जो भी टारगेट प्राइस हम लोग बोलते हैं उसमें आपको खरीदारी करना है या फिर उसमें आपको जो स्टॉप लॉस देते हैं उसमें सेल करना है, खुद से रिसर्च जरूर कर लीजिए। तो यहाँ पे विप्रो स्टॉक के बारे में बात करेंगे तो हम लोग को पता है कि विप्रो स्टॉक में जो है कुछ दिन से बहुत ज़्यादा अप ट्रेंड देखने को मिला था, उसके बाद गिरावट आ गया है स्टॉक में। तो यहाँ पर अगर देखते हैं छः महीना पहले स्टॉक का प्राइस 182.05 के आसपास चल रहा था। 182.05 के आसपास से आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली यहाँ पे जो है स्टॉक में एक अच्छा मूवमेंट बनता हुआ दिखा है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं स्टॉक जो है 377.50 के आसपास ही पहुँच गया था। तो ज़बरदस्त स्टॉक ने रिटर्न दिया है, 6 महीने के अंदर जो है स्टॉक ने 100% के ऊपर रिटर्न दिया है। 1 महीने के इन्फॉर्मेशन निकालते तो 1 महीना पहले स्टॉक का प्राइस 311.55 के आसपास चल रहा था और 1 महीने के अंदर भी हम लोग देखेंगे तो अच्छा रिटर्न दिया है। 5 डेज़ के इन्फॉर्मेशन निकालते तो 5 डेज़ के पहले भी स्टॉक का प्राइस जो है फ्राइडे से पहले 341.15 के आसपास चल रहा था। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो स्टॉक ने जो है एक अप ट्रेंड मजबूती दिखाया है, उसके बाद फिर से स्टॉक में गिरावट आया था और फिर से यहाँ पे जो आहिस्ता आहिस्ता स्टॉक में अप ट्रेंड बनता हुआ दिखा है। अभी विप्रो स्टॉक में क्यों बीच में जो है डाउन ट्रेंड देखने को मिला था वो हम लोग को ऑलरेडी पता है। विप्रो स्टॉक का जो या फिर विप्रो का जो रिजल्ट आया था वो उतना अच्छा नहीं था रिजल्ट, उसके चलते विप्रो स्टॉक में गिरावट आया है। और उसके अलावा अगर बात करेंगे विप्रो स्टॉक के बारे में बहुत सारे अच्छे अपडेट्स भी आए हैं जो हम लोगों ने शेयर किया हमारे कुछ वीडियो के माध्यम से आपके साथ। तो ये स्टॉक अगर हम लोग देखते हैं विप्रो स्टॉक, आप लोगों को हमेशा ही बताया अगर लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं 6 महीने 1 साल तो ये स्टॉक में जो अच्छा एक मजबूती बनता हुआ दिख सकता है। और जैसे कि हम लोग को पता है कोई भी स्टॉक हम लोग देखेंगे तो जो भी अपडेट आते हैं उसके चलते स्टॉक में भी डाउन ट्रेंड या फिर अप ट्रेंड हम लोग को देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक दिन का इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, जैसे कि हम लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं ओपन प्राइस, हाई प्राइस एंड लो प्राइस, तो स्टॉक ओपन हुआ था 346.90 पैसे में, हाई प्राइस दिया है 347.10 पैसे का एंड लो प्राइस दिया है 341.30 पैसे का। यहाँ पे अगर एक दिन का इन्फॉर्मेशन लॉस में देखते हैं कितना लॉस दिया है स्टॉक ने, 0.58% का लॉस दिया और अमाउंट पे जो है 2 रुपये का लॉस दिया। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग अभी विप्रो स्टॉक का खरीदारी करते हैं, स्टॉक का प्राइस जो है 342.45 के आसपास दिख रहा है। तो फिलहाल यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम लोग को लग नहीं रहा है कि इसमें जो है अगर शॉर्ट टर्म के लिए जो है देखते तो बहुत ज़्यादा इसमें रिटर्न देखने को मिलेगा। ये ज़रूर है स्टॉक में जो है अभी 4 से 5 रुपया बहुत जल्दी बढ़ता हुआ दिख सकता है, मतलब स्टॉक का प्राइस 348 से लेकर 349 तक बहुत जल्दी हिट कर सकता है। यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं अभी विप्रो में आईटी सेक्टर में अगर देखते हैं बाकी कंपनीज का, जैसे कि इंफोसिस में जो है थोड़ा डाउन ट्रेंड देखने को मिला है। और उसके अलावा आईटी सेक्टर्स में देखते हैं कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजीज, उसमें जो है 1.01% का जो है अप ट्रेंड देखने को मिला है। तो कुछ स्टॉक्स में हम लोग देखते हैं तो आईटी सेक्टर्स में कुछ दिन से जो है अप ट्रेंड भी दिखा है हम लोग को स्टॉक्स में। तो दोस्तों अगर विप्रो में फिलहाल हम लोग खरीदारी करते तो जो हम लोगों ने टारगेट प्राइस बताया फिलहाल जो है लग रहा है 348 से 349 तक जा सकता है। सिर्फ एक ये हम लोग का ओवरव्यू है, ज़रूरी नहीं है कि उसी टारगेट प्राइस के लिए आपको खरीदारी करना है। रिक्वेस्ट करेंगे अगर आप स्टॉक खरीदते हैं तो खुद से भी एक बार रिसर्च कर लीजिए। वीडियो को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। वीडियो बनाने का मकसद यही था कि विप्रो के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया जाए। आशा करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमारे YouTube चैनल फिनॉइज पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।